Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सॉल्व करेंगे. अगर आप चाहें तो पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं. तो सवाल वही है जो हमारे पिछले लेक्चर में था. लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी, बी इज़ इक्वल टू 2, 3 एंड सी इज़ इक्वल टू 3, 4. देन फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. तो सबसे पहले हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. पार्ट 3 है हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे. B इंटरसेक्शन C के लिए सेट B चाहिए होगा जो कि है 2 एंड 3. इंटरसेक्शन C सेट चाहिए होगा जो कि है 3 एंड 4. अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में से वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम हो. तो यहाँ पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3. इसके बाद हम इसका A से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन C का आंसर है 3 और A है हमारे पास यहाँ पर A एंड B. अब हमने A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है तो इसके लिए हम A के एलिमेंट्स को B इंटरसेक्शन C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर A का 3 के साथ पेयर बन जाएगा और कोई तो एलिमेंट ही नहीं है तो A का सिर्फ 3 के साथ बन जाएगा और फिर B का बन जाएगा 3 के साथ. तो यहाँ पर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया, A 3 और B 3. इसके बाद बारी आ जाती है हमारे फोर्थ पार्ट की. तो फोर्थ पार्ट है हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो इसके लिए हमें पहले A क्रॉस B और A क्रॉस C मालूम करना होगा. तो A सेट है हमारे पास A और B, B सेट है हमारे पास 2 एंड 3 और C सेट है हमारे पास 3 एंड 4. ठीक है, अब हम निकालेंगे A क्रॉस B. तो A क्रॉस B के लिए A के एलिमेंट्स को B के साथ पेयर करेंगे तो पहले A का 2 के साथ हो जाएगा, फिर A का 3 के साथ पेयर बन जाएगा. ठीक है, अब A का इन दोनों के साथ पेयर बन गया. अब B की बारी, तो पहले B का बन जाएगा 2 के साथ पेयर. ठीक है, और फिर B का बन जाएगा 3 के साथ पेयर. तो ये A क्रॉस B आ गया. इसके बाद A क्रॉस C की बारी. तो A क्रॉस C में क्या होगा, A के तमाम एलिमेंट्स का C के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेगा. तो A 3 हो जाएगा, देन A 4 हो जाएगा. इसके बाद B 3 हो जाएगा और फिर B 4 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो हमें पता है हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं. इंटरसेक्शन में जो पेयर्स दोनों इन सेट्स में सेम होंगे वो आएंगे. तो यहाँ पर कौन से वो पेयर हैं जो दोनों में सेम हैं. यहाँ पर A 2 है, यहाँ A 2 नहीं है, यहाँ A 3 है, यहाँ A 3 है. तो यहाँ पर आ जाएगा A और 3, और यहाँ B 2 है, यहाँ B 2 नहीं, यहाँ B 3 है, यहाँ भी B 3 है. तो यहाँ पर भी आ जाएगा B 3. तो ये सॉल्व हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी. उम्मीद करती हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.